अब लखनऊ से खबर आपको सबसे पहले बुलेटिन में बताते हैं। राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला, दो आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। जुबैर खान के एक्स आईडी से ये धमकी दी गई थी। ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा गिरफ्तार किए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय के कंट्रोल नंबर पर धमकी दी गई थी। लखनऊ के विभूति खंड इलाके से गिरफ्तार किया गया। तो आपको बता दें, दो शख्स गिरफ्तार किए गए हैं। एक्स के जरिए भी धमकी दी गई थी और कंट्रोल रूम बाकायदा फोन किया गया था। जुबैर खान जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई है यहां पर। इसके साथ साथ आपको बता दें, विभूति खंड से गिरफ्तारी हुई है। साथ ही ओम प्रकाश मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ इस वक्त विशाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। विशाल, राम मंदिर को लेकर धमकी मिलने का मामला सामने आया है। ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, क्या इनसे जानकारी निकल पाई है अभी तक? देखिए, आ चुकी राम मंदिर की धमकी जो है दी गई थी कि राम मंदिर को बम से उड़ाया जाएगा। और चूंकि लगातार इस वक्त जो तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव है, इसके साथ साथ मुख्यालय को फ़ोन करके इस तरह की धमकी दी गई थी, जिसके बाद एसटीएफ को इस पूरे मामले में लगाया गया था, जिसने फिलहाल दो लोगों को कल गिरफ्तार किया है। लखनऊ के विभूतिखंड थाने से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। हालाँकि अभी इनका कोई लिंक जो है किसी टेररिस्ट ग्रुप से या किसी ऐसे किसी ग्रुप से नहीं निकला है, जिसकी वजह से ये कहा जाए कि ये की साजिश थी। लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है कि इन लोग ने जो है थोड़ा सा न्यूसेंस फैलाने के लिए इस तरह की वारदात को जो है अंजाम देने की कोशिश की थी। उन्होंने फ़ोन करके इस तरह की चीज़ें की थी और बाकायदा जो है इस पूरे मामले को लेकर एसटीएफ जो है अब इन दोनों से पूछताछ कर रही है। लेकिन फिलहाल इन दोनों की गिरफ्तारी जो है लखनऊ के विभूतिखंड इलाके से कर ली गई है। शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी देने के लिए।